नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र मिश्रा और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मोल्डिंग मंत्रा पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हॉट रनर मोल्ड के बारे में और कोल्ड रनर मोल्ड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कोल्ड रनर मोल्ड, आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी भी या आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो उस हिसाब से हम इस पर बात करेंगे। जैसा कि इसका नाम है हॉट रनर मोल्ड और कोल्ड रनर मोल्ड, तो इसमें होता क्या है कि जो हम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की बात करें, तो उसमें जो मोल्ड यूज़ करते हैं रनर के बेसिस पे, ये दो टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रनर ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है हॉट रनर और दूसरा होता है कोल्ड रनर। दोस्तों, कई सारे मोल्ड आपने देखे होंगे जिसमें कि प्रोडक्ट हमारा निकल कर बाहर आता है और साथ में क्या होता है कि उसका पूरा का पूरा फीड सिस्टम भी सॉलिडिफाई होके वो भी निकल के आता है। मतलब फीड सिस्टम यानी कि उसका जो पूरा रनर है वो भी निकल कर सामने आता है। तो होता क्या है कि प्रोडक्ट के साथ जो रनर भी निकल कर आता है, इस टाइप के मोल्ड को बोलते हैं कोल्ड रनर मोल्ड। और कई सारे मोल्ड ऐसे होते हैं कि जिनमें कि मोल्ड के जो कैविटी प्लेट होती है उनमें जो रनर होता है वो इनबिल्ट होता है और वो मोल्टन फॉर्म में होता है। इस टाइप के मोल्ड में केवल प्रोडक्ट ही मोल्ड के बाहर निकल कर आते हैं, रनर नहीं निकल कर आता है। तो इसी टाइप के मोल्ड को बोलते हैं हॉट रनर मोल्ड। इंडस्ट्री में ज़्यादातर आपको यूडो कंपनी का जो है हॉट रनर मोल्ड देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो हॉट रनर यूज होता है वो यूडो का ही इस्तेमाल में लाया जाता है इंडस्ट्रीज में। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारी प्लेट होती है जहाँ पर हॉट रनर फिक्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, हीटर्स दिए गए रहते हैं। तो जो मोल्ड मटेरियल होता है प्लास्टिक का, वो मोल्ड के अंदर उतना वो पहले से ही अवेलेबल होता है और वो मोल्टन फॉर्म में होता है। तो क्या होता है, जब बैरल से मटेरियल इंजेक्ट होता है तो वो उसी चैनल के थ्रू होते हुए हमारा वो कैविटी में जाके फिल हो जाता है, और फिर जब कूलिंग के बाद हमारा प्रोडक्ट मोल्ड के बाहर निकलता है तो केवल कंपोनेंट ही आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा और रनर निकलता ही नहीं है। उसके साथ में जो कंपोनेंट आप निकालेंगे, जो प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके साथ में एक छोटा सा गेट पॉइंट हो सकता है निकल के आए कि गेट पॉइंट उसमें निकल के आ रहा है, लेकिन क्या होगा, रनर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और कई सारे मोल्ड ऐसे होते हैं, थ्री कैविटी मोल्ड, जो थ्री प्लेट मोल्ड होते हैं मल्टी कैविटी के, उसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे पिन पॉइंट गेट होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई ढक्कन बनाने का मोल्ड है, छोटा सा बॉटल का कैप, तो अगर मान लीजिए 10 कैविटी, 12 कैविटी या 15 या 20 कैविटी कुछ भी है, होगा क्या, इसमें जो हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो एक साइड में जहाँ कोर और कैविटी की ओपनिंग होती है उस साइड में तो हमारा प्रोडक्ट निकलता है, और जो बेस फिक्स प्लेट है और उसके बाद जो कैविटी प्लेट है, दोनों के बीच में जो है स्पेस रहेगा। तो होता क्या है, जब हमारा मोल्ड ओपन होता है तो ये जो थर्ड प्लेट है, थर्ड प्लेट और फिक्स प्लेट के बीच में हमारा रनर जो है बन के निकलता है, जो कि ऑटो डिगेटिंग के थ्रू हमारा कंपोनेंट से अलग हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा सारा कंपोनेंट हम निकाल के रख लेंगे और उसके बाद में हम रनर को भी रिमूव कर देते हैं, उसके बाद में कट कर देते हैं, जो भी उसके बाद का प्रोसीजर है वो उससे हम फॉलो करते हैं स्क्रैप करने के लिए या जो भी करने के लिए जो उसका पर्पज़ होता है। तो इस तरीके से हॉट रनर मोल्ड और कोल्ड रनर मोल्ड को हम समझ सकते हैं। सीधा सीधा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जो हॉट रनर मोल्ड होता है उसमें रनर मोल्ड के अंदर मोल्टन फॉर्म में होता है, उसके चैनल्स होते हैं, उन्हीं चैनल्स में वो फिल होता है मोल्टन मटेरियल के थ्रू, और जब साइकिल स्टार्ट होता है तो उसी के थ्रू वो जाता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हॉट रनर मोल्ड यूज़ करने से क्या है कि आपका जो है कॉस्ट सेविंग होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका अगर कोल्ड रनर मोल्ड है तो आपका जो कंपोनेंट निकल रहा है वो तो निकल ही रहा है, लेकिन जो मटेरियल आपने एक बार प्रोसेस कर दिया उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो जो हमारा रनर है वो या तो हम स्क्रैप में डालेंगे या तो हम उसको थोड़ा डाउनग्रेड मटेरियल समझ के उसको अलग फर्दर कंपोनेंट में प्रोसेस करेंगे जैसा कि रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या होता है कि ये जो रनर बन के निकल रहा है, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये प्लास्टिक का वेस्टेज ही होता है, क्योंकि जैसे रिसाइकल मटेरियल अगर आप नहीं यूज कर सकते हैं, वर्जिन मटेरियल यूज करेंगे, तो समझ लीजिए अगर 100 रुपये किलो का रेजिन आप लेके आए हैं और वो रनर रनर निकल गया 1 किलो, तो उसकी कीमत इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 से 35 रुपए मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो आपका 60 रुपए का लॉस हुआ 1 केजी के पीछे। तो ये होता है जो है कॉस्ट सेविंग, इसीलिए यूज करते हैं हम लोग ज़्यादातर हॉट रनर मोल्ड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग की जरूरत होती है, जैसी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से किया जाता है या
मोल्ड साइकिल पर भी डिपेंड करता है। जैसे हमको केवल 3 साल मोल्ड चलाना है और मोल्ड का साइकिल समझ लीजिए 5 लाख साइकिल ही है केवल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उस हिसाब से कॉस्टिंग होती है। और हॉट रनर मोल्ड बनवाना है या कोल्ड रनर मोल्ड बनवाना है ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है। तो दोस्तों आज हमने जाना हॉट रनर मोल्ड क्या होता है, कोल्ड रनर मोल्ड क्या होता है, और कई सारे एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा भी हॉट रनर मोल्ड काम कैसे करते हैं या कोल्ड रनर मोल्ड काम कैसे करते हैं, इनके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जनरली हॉट रनर मोल्ड यूज में क्यों लाए जाते हैं और कोल्ड रनर मोल्ड क्यों यूज में लाए जाते हैं, पीछे का पर्पस क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने जाना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।